हेलो फ्रेंड्स, आज हमने इंस्टेंट जलेबी बनाई है सूजी से और बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही जूसी और बहुत स्वादिष्ट बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल कुकिंग विद उषा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलते हैं हम इस रेसिपी को बनाने के लिए। कितनी क्रिस्पी है, चलिए शुरू करते हैं जलेबी की रेसिपी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कुकिंग विद उषा को और बेल आइकन को दबाइए मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज हम इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने सूजी का यूज़ किया है। ये मैंने 1 कप सूजी ली है, बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी हो तो उसे आप ग्राइंडर में बारीक कर सकते हैं। ये मैंने 1/4 कप मैदा लिया है। ये मैंने 1/2 कप दही है, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर है, पानी लिया है, जितनी जरूरत होगी उतना हम यूज करेंगे। और ये मैंने 2-3 ड्रॉप्स लेनी है ऑरेंज कलर की, जो मैंने लिक्विड में लिया है। इसका पाउडर भी मिलता है तो 1 पिंच ले सकते हैं। ये हमारी सामग्री है। अब हम इसको तैयार करते हैं। एक बाउल में, बड़े बाउल में हम सूजी डाल लेंगे, जो की हमने अच्छे से छान ली है। मैदा 1/4 कप, 1/2 कप दही। अब हम इसको मिला लेंगे विस्कर की हेल्प से। ये मैंने मेजरमेंट करके 1 कप पानी लिया है। अब देखते हैं कितना पानी लगता है इसमें। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, जो भी लम्स बन जाए बाई चांस तो इसको हम इस तरह से खत्म कर सकते हैं। ये कलर मेरा खराब निकला है, इस कलर का यूज नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी जलेबियों का कलर खराब कर देगा। डार्क रेड कलर निकला है ये, और लिखा हुआ है इस पे ऑरेंज कलर, तो इसे यूज नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने ये, मेरे पास जो है पाउडर के रूप में भी था, मैं इसको डालूंगी और देख के डालूंगी कहीं खराब ना हो जाए। हाँ, ये ठीक है, इसको मैं सबको डाल देती हूँ। ये मैंने 2 पिंच के करीब लिया था, अब सही हो गया है कलर। देखिए कितना अच्छा आ गया है। अब बन के देखते हैं कि बना के कैसे निकलती है ये। अब ये हमारा इतना गाढ़ा हो गया है, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन हम इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, क्योंकि हम जो सूजी होती है वो हमेशा फूलती है। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी और पड़ेगा, उसको हम बाद में डालेंगे। इतने हमारा बैटर सेट होता है जलेबी का। इतने हम चाशनी बना लेते हैं। 1.5 कप पानी लिया है, और मैंने ये 1.5 कप चीनी ली है। मैंने फ्लेम जो है ऑन कर दिया है। हमें सिर्फ एक ताकि चाशनी बनानी है। अब चीनी में उबाल आ गया है हमारी, सिर्फ हमें एक ताकि चाशनी देखनी है बना के। इसमें हम हल्के ठंडे होने पर उंगली में लगा के सिरप को इस तरह से देखते हैं। ये दिखाई देता है कि हाँ, हमारी 1 ताल चाशनी बन गई है। इसमें हम 1/2 नींबू का रस डाल देते हैं, इससे इसमें क्रिस्टल नहीं बनेंगे। और आधी एक हमने इलायची पाउडर बनाया था, मैंने इसका वीडियो अपलोड किया है उसका। ये मैंने 1/2 चम्मच कार्डमम पाउडर लिया है, वो डाल देते हैं। और चाशनी को ढक कर रख देते हैं। हमने बैटर को देख लेते हैं, हमारा बैटर बहुत गाढ़ा है। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। मैंने जो कटोरी में रखा था उसी में मैंने पानी डाल दिया है इसका। मैं बेकिंग पाउडर डाल दिया है, कैमरे में शूट नहीं हो पाया, सही हो गया है। और मेरा इतना पानी बच गया है, यानी कि हमारा इसमें 1/4 कप पानी बच गया है, यानी कि 3/4 कप पानी में हमारा ये बैटर रेडी हो गया है। अब हम जलेबी बनाने की तैयारी करते हैं। इस तरह की बॉटल है जैसे कि हम बनाते हैं अक्सर, तो मैं आज इससे ना बना करके मैंने कोन बनाया है सिंपली। अगर नहीं होता है तो हम इससे भी बना सकते हैं।
इसको हम स्क्वायर में काट कर ट्राइंगल शेप में इसे हम काट लेंगे। अब स्क्वायर में दो पीस कर लिए हैं, इसमें से हम एक का कोन बना लेंगे। इधर से ऐसे करके इसे हम मोड़ लेंगे। चाहे तो इधर आप कैंडल की सहायता से या टेप से कर दीजिए। ऐसे करके लगा लिया था गैस की साइड से। ये मेरा कोन बन गया है, देखिए कितना अच्छा बना है। अब मैं इसे थोड़ा सा शेप दे देती हूँ। देखिए मेरा कोन बन गया। इसमें अगर अपना बैटर भर लेंगे। अब इसमें मैंने ये ट्राइंगल शेप में काट के स्क्वायर में काटा था और ट्राइंगल शेप में करके इसे मैंने दो भागों में कर लिया था। अब मैंने इसको बना लिया है। अब इसमें हम बैटर को डाल करके अब जलेबी बनाते हैं। इसमें हम बैटर को डाल देते हैं। अब इसको हम इस तरह से पकड़ लेते हैं। यहाँ पे कोया है हमारा, देखते हैं एक बूंद डालकर देखते हैं। गोल्डन ब्राउन हो गया है। आपको जितनी मोटी चाहिए उतना आप इसमें छेद कर लीजिए। अब इसको हम दूसरी साइड से पलट देते हैं। पहला लॉट सिक गया है। थोड़ी मैंने ज्यादा कुरकुरी सेकी है, बच्चों को थोड़ी ब्राउन ज्यादा पसंद है। आप जैसे चाहें वैसे आप सेक सकते हो। मैंने इसमें देख सेकी है, बहुत कुरकुरी सेकी है। देखिए ये कैसी आवाज आ रही है। ये हमने सेक लिया है पहला लॉट। इसको हम चाशनी में डाल देते हैं। इसको हम चाशनी में डाल देते हैं और इसको हम धक्के लगा देते हैं। अभी क्रंची हो गई हैं, इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। क्योंकि सूजी का होने की वजह से ज्यादा घी नहीं पी रहे हैं, बिल्कुल ड्राइनेस से निकल रही एकदम। ये हमने निकाल ली हैं और अब हम इसमें चाशनी में डाल देते हैं। ये हमारी चाशनी में डूब गई हैं। लीजिए हमारी रसभरी जलेबी तैयार है। आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जूसी बनी है। क्या आवाज आ रही है, बढ़िया। देखिए खा करके देखिए, बहुत अच्छी बनी है और बहुत ही क्रिस्पी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल कुकिंग विदुषा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। बाय।